नमस्कार, मैसेल्फ विनय शुक्ला, वेलकम टू यू ऑल आवर बीडीएसटी डिस्ट्रक्शन क्लास प्रोग्राम। दिस इज क्लास 9, मैसेल्फ योर साइंस टीचर। टुडे आई एम विद द न्यू टॉपिक ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड इन न्यूमेरिकल व्हिच आर बिलोंगिंग टू द चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। इसका एक क्लास टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा होता क्या है, जब दो चीजें आपस में एक दो चीजें हैं, दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है, दूसरी चीज पीछे से उसे क्या करती है, कोलाइड करती है। तो आफ्टर दिस कोलाइजन व्हाट विल बी द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज देयर, और कितना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसमें हमको फाइंड आउट करना। और इसका बड़ा सिंपल वे में इसकी डिफिनेशन आपको, इसका डेरिवेशन आपको न्यूटन सेकंड न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जहां F फोर्स अप्लाइड ऑन द A टू B इज इक्वल टू निगेटिव विद द निगेटिव साइन ऑफ B टू A अप्लाइड फोर्स। तो ये सिंपल वे में आप इसको अच्छे से जानते होंगे। हम लोग उसी न्यूमेरिकल के आधार में, उसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बेस मानते हुए एक न्यूमेरिकल आर्म हम आपके सामने लेके आए हुए हैं, जिसे आप अच्छे से समझेंगे। इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू कैन गेट द मच मोर एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज द वन क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी कम इन योर एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? वेरी अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग बेटा। तो किसी भी न्यूमेरिकल को बताने से पहले हमको थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए। थ्योरी अच्छे से पता है तो हम न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है और अच्छे से इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, देखेंगे द टू ऑब्जेक्ट मास 200 ग्राम एंड 400 ग्राम आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। 200 ग्राम की और 400 ग्राम की दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक लाइन में एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। फिर क्या है, विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली एंड 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहली मास वाली वेलोसिटी 200 ग्राम वाली मास की वेलोसिटी की जो मास की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड दी गई इनिशियली, एंड 400 ग्राम की इनिशियली दी गई है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों ठीक ना, द कोलाइड एंड द आफ्टर कोलाइजन, द कोलाइड एंड आफ्टर कोलाइजन क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, हमको सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का। तो हम कंजर्वेशन मोमेंटम में हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, अपना मास ऑफ द फर्स्ट वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास ऑफ सेकेंड वेलोसिटी इनिशियल एंड द मास ऑफ सेकेंड वेलोसिटी इनटू मास ऑफ सेकेंड वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द वी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, उसी तरीके से यहां होगा, ये दोनों आपस में मोशन न्यूटन के थर्ड लॉ के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग प्राप्त हुए, जिसका डेरिवेशन आपकी किताब में आपको बताया गया है, मीडिया में भी आपको बताया गया है। हम लोग सिंपल इसे न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही न्यूमेरिकल होता है जो दिया है, उसको पहले हम लोग फाइंड आउट करने बैठे। तो यहां देखिए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टू ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट को आप सपोज कर लीजिए, हम पहला मास हमारा MA का 200 ग्राम, 200 ग्राम को 0.2 केजी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अच्छे से पता है, ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। फिर हमारा क्या दिया है, MB, वो कितना दिया है, 400 ग्राम, इसको भी आप दबाएंगे तो 0.2 केजी आपका आएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, विथ वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड, तो यू ए आर को 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और यू बी आर को 1 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ओके, अब ये कह रहा है कि आफ्टर कोलाइड, जब ये कोलाइड होगा तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिकम्स 1 मीटर पर सेकेंड, तो बी ए कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, और बी बी हमको इतना सिंपल है, जो हमको दिया है वो सब हम क्या कर रहे हैं, निकालने। इसको छोटे से समझ सकते हैं बेटा कि दो मास
और एक एमडी है। अब ये कंडीशन होनी चाहिए कि जब ये कोलाइड करेंगे तो इनका ये होना चाहिए कि यू ए वो बड़ा होना चाहिए यू बी से। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई गाड़ी आपकी आगे जा रही है तो जो आपके पीछे जा रहे जो पीछे उसके ऐसे यू ए लगा हुआ है एम ए वो उसको तेज नहीं होगा तो कैसे उससे भिड़ेगा, कैसे उससे कोलाइड होगा। तो यू ए का यू बी से बड़ा होना बेहद जरूरी होता है आपको लाइफ में। जब ये आपस में कोलाइड होंगे तो फिर से कोलाइड होने के बाद इनकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज होगी, तब ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तब इनकी जो बी ए है वो हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। ये आपको दिया गया है, हमें सारी आर्टिकल को ले आकर इस फॉर्मूले पे हमको रख देना है। इस फॉर्मूले को रखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को पहले इसको हम लोग रब कर दें बेटा। हाँ देखिए हम लोग रखते हैं एम ए कितना है 0.2 इंटू बी यू ए 2 ओके प्लस एम बी 0.4 यू बी 1 इज इक्वल एम ए 0.2 बी ए 1 एम बी 0.4 और इनटू बी भी हमको निकालना है। वही कोलाइजन के बाद जो वेलोसिटी है वही हमको क्या करनी है यहां पर निकालनी है। आप लोगों ने सारी वैल्यू रख ली, रखने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा यहां पर 0.2 और प्लस इंटू 2 सॉरी तो 0.4 प्लस 0.4 इंटू 1 0.4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1 0.2 प्लस 0.4 बी बी 0.4 बी बी हो गया। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हो गया 0.8 इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.4 बी बी। बोले बेटे सबको आपको समझ में आया, सारी वैल्यू हम लोगों ने यहां पर रखी हुई है। अब 0.8 में 0.2 माइनस होगा 0.6 इज इक्वल टू 0.4 बी बी। अब बी बी इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.4 कटेगा 3.42 1.5 मीटर पर सेकंड। आपका कोलाइजन जो इसकी वेलोसिटी होगी बी बी की यानी मास जो हमारी सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड। और यही चीज हमको यहाँ पर निकालना है। कितने अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा, हमने कुछ नहीं किया, हमने सारे आर्टिकल को एक स्थान को दे दिया और उनको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले में रख दिया और इजी वे में जब सॉल्व किया तो हमको 1.5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी यहाँ पर मिली। आशा करता हूँ बेटा आप सब अच्छे समझ गए होंगे। एक चीज और करना चाहता हूँ आप सब, अभी जितने लोगों ने फीस दी अभी अपनी एडमिशन नहीं कराया है, जिन्होंने अभी आकर के बिल्कुल शुरुआत नहीं की है वो जल्दी से जल्दी आकर एडमिशन करा लें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल लास्ट टाइम पहुंच चुका है, कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए मेरी इस बात को याद रखेंगे। 9th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, 10th क्लास में जाएंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।